हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमून। मैं हूं शाजले। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है गोरखा रेजिमेंट के ऊपर और ये देखते हैं कैसी वीडियो होगी। ये आर्मी का जो है डिपार्टमेंट है, इंडियन आर्मी का, और देखते हैं ये कैसी वीडियो होगी, क्या होगी, इसके अंदर ट्रेनिंग दिखाई गई है इनकी या फिर पत्नी कुछ और दिखाया गया, देखते हैं इसके अंदर है क्या। पहले इससे पहले हम लोग इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, पहले ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। सही। वहीं भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसके लिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो सके। इन्हीं में से एक खतरनाक और बहादुर सैनिक है गोरखा। गोरखा, जिस वीडियो में सही भारत के सभी बेस्ट रेजिमेंट्स में से एक गोरखा रेजिमेंट के। गोरखा रेजिमेंट दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे आक्रामक रेजिमेंट है। ओके। पूर्व थल सेना अध्यक्ष सेम मानिक सो ने कहा था, इनको ये वही है जो पिछले वीडियो में ठग लाइफ में देखा था, ये उनके ही है। तो वह झूठ बोल रहा होता है या फिर वह गोरखा होता है दोस्तों, या वही स्वर्गीय सेम मानिक सो है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे और वह खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। वहीं भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। आइए जानते हैं कैसे। कायर हुनु भंडा मरनू रामरो। दोस्तों, गोरखा में लिखी गई इस लाइन का सीधा अर्थ यह है कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मरना। क्या बात है। गोरखा रेजिमेंट का गठन 1815 में हुआ था। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। ओके। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और नेपाल के बीच एक समझौता हो रखा है जिसके तहत गोरखा को इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जा सकता है। ओके। समझौते को त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है जिसे 1947 में साइन किया गया था। वहीं हर देश की सेना के लिए यह जरूरी होता है कि उसके सैनिक बेखौफ होकर लड़ें ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। सही। तो गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को इसमें अव्वल माना जाता है, यानी बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर के सिंबल से होती है, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है, ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुखरी से होती खुकरी। है। या खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है और इस खुखरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए गोरखा के जवान करते हैं। वहीं गोरखा सैनिक, फिर चाहे वह खुद की सुरक्षा हो या फिर देश की सुरक्षा, ऐसे मौके आए हैं जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुकरी के बल पर आम लोगों की जान बचाई। ओके, क्या बात है भाई। अपनी खुकरी को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, खुकरी एक तरह का धारदार खंजर होता है और युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुकरी का इस्तेमाल करते हैं। IMA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहाँ खुकरी जरूर दी जाती है, यानी ये खुकरी आपको हर गोरखा जवान के पास मिलेगी। और गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। सही। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या युद्ध में हल्ला बोलना हो, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर बस यही नारा होता है, जय महाकाली, आयो गोरखाली। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट का यह नारा गूंज उठता है। और मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं। 1st गोरखा राइफल, 3 गोरखा राइफल, 4th गोरखा राइफल, 5th गोरखा राइफल, 8th गोरखा राइफल, 9th गोरखा राइफल्स और 11th गोरखा राइफल्स, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफार्म हुई हैं। ओके। 11th गोरखा रेजिमेंट आजादी के बाद बनाई गई थी और 5th गोरखा के जवान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल हैं। इंडिया के पास टोटल 39 गोरखा बटालियंस हैं जो 7 अलग अलग रेजिमेंट्स में बटी हैं। दोस्तों, गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन तमाम ऑपरेशन में गोरखा का योगदान जरूर होता है।
वहीं 1947 से 1948 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। और 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए थे तो गोरखा ने अपना रोल अदा किया था। वहीं गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले नेपाल है लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान है, और इसी वजह से चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह खटकते हैं। आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय योद्धा बनते हैं और गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में नेपाल के गोरखा हैं। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में भी गोरखा के योद्धा मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रुनेई में गोरखा के जवान और सिंगापुर में भी गोरखा कंटिनजेंट मौजूद है। और 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था और प्रथम जॉर्ज पंचम ने गोरखा राइफल का नाम दिया था। आजादी के बाद जब ब्रिटिश वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया था। 10 रेजिमेंट्स में से 1, 3, 4, 5, 8 और 9वीं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली थी, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट को ब्रिटिश अपने साथ रखना चाहते थे और लंदन ले जाना चाहते थे, लेकिन नेपाल के कई सैनिकों ने लंदन जाने से इनकार कर दिया और तब भारत को तुरंत 11वीं गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करनी पड़ी थी। वहीं आइए जान लेते हैं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 बाएं मुड़ जब उनके मुंह से यह निकलता है तो शेर सी गर्जन सुनाई देती है। जूतों को इतनी तेजी से जमीन पर पटकते हैं कि सामने खड़े इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 9 महीने की शरीर को लोहा बना देने वाली ट्रेनिंग 9 मंथ की होने वाली भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के सिपाही हैं और ये डर से बेहतर मरना पसंद करते हैं। भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है जो तकरीबन 9 महीने तक चलती है। 9 महीने की ट्रेनिंग सैनिकों को पहले 2 फेज में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। पहले फेज में कच्ची मिट्टी पर करीब 7 हफ्ते तक सैनिकों के अंदर जोश और स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन्हें हर रोज ड्रिल और पीटी कराई जाती है, जिसमें इन सैनिकों को सेना के अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं। फिर शुरू होती है दूसरे फेज की ट्रेनिंग जो पक्की चट्टान पर होती है। करीब 19 हफ्तों तक इन सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करनी होती है। इन सैनिकों के शरीर को लोहा जैसा मजबूत बनाया जाता है और इनके जूते भी बहुत अलग होते हैं। गोरखा सैनिकों के जूते ही इतने भारी होते हैं कि आम इंसान इन जूतों को पहनकर चल ही ना सके। वहीं दोस्तों जब भी गोरखा की बात होगी, कैप्टन मनोज पांडे की हमेशा बात होती है। मनोज कुमार पांडे अपनी अहम भूमिका निभाई थी कारगिल वॉर। अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। दोस्तों फील्ड मार्शल क्या बात है, इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने साबित किया था। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी उंगलियां बंदूक से नहीं हटी थी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त किए थे। 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज ने पहले ही कहा था कि अगर मेरे खून को साबित 24 साल की उम्र मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ मैं मौत को मारूंगा। उन्होंने अपने इस कहे को करके दिखाया था। कारगिल वॉर में खालूबार टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, जज्बा और जुनून विरोधी के हर हथियार को नाकामयाब करने में कामयाब रहा था। परिणाम स्वरूप भारत के इस सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो थी बहादुर गोरखा रेजिमेंट के बारे में। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सो गाइस ये थी वीडियो और काफी कुछ अच्छा हमें पता लगा। मेरे कान में पत्नी क्या चले गया तो काफी ज्यादा इसके अपना गोरखा रेजिमेंट के बारे में पता लगा हम लोगों को। फर्स्ट टाइम हमने इनके ऊपर रिएक्शन दिया है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो है इंडिया की जो है सबसे टॉप की जो रेजिमेंट्स हैं और जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े महाजों पे अपना इंडिया की जो फोर्सेस खड़ी हुई होती है, उसमें से गोरखा रेजिमेंट के जो है जवान ज़्यादातर खड़े होते हैं और ज़्यादातर स्पेशल जो है अपना ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे कि ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से होता है। और सो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने और काफ़ी अच्छा पता लगा। और वो कैप्टन मनोज पांडे का भी जो बताया वो भी काफ़ी अच्छा लगा यार, कि वो जो है उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बड़ा अच्छा सा डायलॉग जो है कि मैं मर जाऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ।
डायलॉग तो खैर हमें याद नहीं रहा, मगर जो उन्होंने बोला आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना, वो काफी अच्छा एक ये फिल्म लाइफ में देखने वाला तो एक अलग ही सीन होता है, मगर ये देखो रियलिटी है। अब आपने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए आप जवानों का प्यार देखें, चाहे वो इस मुल्क के हों या उस मुल्क के हों, कहीं के भी हों, दुनिया में किसी भी मुल्क के हों। सो गाइस, यही थी वीडियो हमारी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अपना कौन सी गोरखा रेजिमेंट से मुतालिक आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी हमें बताना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।